कैसे आप सब लोग आए हो? आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो क्या चल रहा है भाई? ये पीछे अभी ना मैंने एक ऑडिशन बना के भेजा है, तो उसके लिए मैंने ये रिंग लगाई हुई है। तो भाई ऑडिशन भेजना जरूरी है, ऑडिशन के बिना कुछ भी नहीं है भाई मेरे लिए। तो भाई अपनी घोड़ी है, मुझे तो खाने को भगा एकदम, मैं पकड़ूंगा इसे। देखा घोड़ी आराम कर रही है, अभी फरमा रही है, ये इसे घुमा के लाए हुए बच्चे। आराम जा रहे हैं हम क्यान की साइकिल लेने गुड़गांव। मैं, पापा और मेरे साथ जा रहे हैं अनिल भूप। तो लेके आ रहे हैं, वो कई दिन से कह रहा है साइकिल के लिए, मैं चल भाई ले ही आते। पापा का मन है कि भाई साइकिल ले आए इसके लिए, बस चारू पाचू अपने पोते इनके लिए सबके लिए ले आए, तो इसके लिए भी लाने के लिए कह रहे हैं कि भाई ले आऊं। तो पापा को भी आगे चलेंगे। ये रोड अच्छा लगा यार, ये पेड़ अंतर है। क्यान के लिए आया, साइकिल लेने आए हैं। क्यान साथ नहीं आया, मैं खुद ही देख रहा हूँ कैसी कैसी नहीं। पापा साथ में आया, अनिल साथ में आया, तो पसंद कर रहे हो भी। तो भाई क्यान की साइकिल धर दी है अभी इसमें। पैर कैसे पौनी डाल जब नहीं ले गया, पकड़ नीचे, पकड़ नीचे, तो उठा नीचे, तो उठा हाथ में लगा गिरा पूरे। देख कैमरा मोई तो देख ये। अब ले चल अंदर अपनी साइकिल पकड़ के। अभी ना क्या ना, बिट्टी को काट देना मम्मा, तो उल्टा कर के मम्मा साथ ही काटना। ओ उल्टा कर दिया, पर एक ही होएंगे पे घड़ी की तरह है ये। चल ठीक है, हम दूसरा होएंगे घुमा दे आज कर ये क्यों काट रहा तेरी हाथ में दी छूट ली होगी भाई। क्या वो लगा दे टी मेरी नर्दी लग गई भी क्या। चलो टी को काट दे अपनी साइकिल में, तनी सारा दिखा दे जीते है जो हम बुला लेंगे। अब बेमा घुमा के पैडल मार तेज, पैडल पे पाओ बता रही हो, हमारे कैन चलाने ना थी सीख जा गए। ऐसे चला, हां ऐसे घुमा 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 आकर चला गया सर सर सीख और आगे पीछे कर ऊपर चला लेगा मैं ड्राइंग रूम में सोफा पर पाना चाहता हूं ना गिरे दोनों तरफ क्या नहीं हमें टायर है। फूल के पेड़ लेंगे थोड़े से, पौधा वोधा घर लगाने के लिए कहीं तो लगाएंगे। ये गोभी सी, वो कैल है, कैल परमानेंट पेड़ है। परमानेंट? हाँ। खराब ना होता है? ना ना। यार फूल के ही दे दे मुझे तू, निकाल लो जान से। सुन ये वाले दे फिर, निकल निकाल दे भाई। मुर्गा या कुत्ता तो लड़ेंगे अभी, कटकने ये भी दरियो इलू खा जा गई लू लीलू ले। शुरू हो जाओ भाई, डर रहे कुत्ता ही पीछे हट गया यार। नहीं हटेगा अभी, अभी देखना उसका उसका आई कटोरा था इसीलिए वो डांटेगा फिर भी लड़ेगा उससे। इहियो तो अलग ही भग रहा। अब तू हट वहां से, तू अपनी मर्जी तो आएगा। अरे शुरू हो जाओ, ये तो बेइज्जती कर रहे हो भाई। यार अभी खाने का मन नहीं है कुत्ते का, जिगर हो ना भाई। हैप्पी तू डर गया यार। अरे बेटे अल्लीलू हैप्पी, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? जाने तुम ओ इतना प्यार तो दोस्तों आज मैंने फास्ट कर रखा है, उसकी वजह से ना एनर्जी डाउन सी हो रखी है, क्योंकि मतलब बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसी आंखों में नींद भरी पड़ी है। मैं सो भी लिया फिर भी थकान सी फील हो रही है, मतलब क्या है ना अंदर कुछ खाना वाना ढंग से नहीं गया, बस फ्रूट से गए। रोटी तो बस जरूरी चाहिए, रोटी खाई ना तो उससे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और मैं 3-4 ऑडिशन बना के भेज चुका हूँ, मतलब तीन वेब सीरीज के लिए और एक मैंने मॉर्निंग में जो बनाया था वो अलग बनाया था। तो ऑडिशन बना के भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी काम काफ़ी आ रहा है, शूटिंग का, वेब सीरीज़ और
फिल्म का, तो मैंने ऑडिशन इसलिए बना के भेजा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब ऑडिशन बनाने मेरे हाथ में, बाकी भाई वो कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आता है नहीं आता है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है उसके लिए। हो सकता है कॉल आ जाए तो अच्छी बात है। आके काम बॉम्बे में काफ़ी काम चल रहा है अभी लॉकडाउन का, तो अब चला गया सारा कोरोना वोरोना सब भाग गया, अब तो भाग गया है, तो अब काम वहाँ पे काफ़ी आ रहा है। तो वो भी कह रहे कि भाई यहाँ आ जाओ, तो देखो अब थोड़ा जाना मुश्किल सब रखा है। अभी जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा जून जुलाई के भी बाद में जाऊँगा, उससे पहले नहीं, तब जाके वहाँ देखते हैं, क्योंकि सारा काम वहाँ है, यहाँ तो बस ऐसा ही है, छना छना ऐसा काम आता है यहाँ, वरना सारा काम वहीं पर है। तो भाई जून जुलाई में जाके देखना पड़ेगा, उससे पहले जाऊँगा। तो भाई अपनी किस्मत पता ना कैसी है कैसी ना, कुछ समझ में ना रहा कि क्या है, क्या चलेगा, क्या आगे होगा क्या नहीं, तो मतलब पूरा डगमगाया सा हो रखा है एकदम। मैंने अभी वो वेब सीरीज़ करी, उसके बाद फ्री, चार महीने हो गए, चार महीने से फ्री, और एक्टिंग लाइन में तो कुछ करा ही नहीं है काफ़ी दिन हो गए। तो भाई समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ना स्ट्रेस सा लेता हूँ मैं एकदम, जब काम नहीं आता तो अजीब सा लगता है, सबको लगता होगा, आप लोगों को भी लगता होगा, मुझे भाई बहुत फील होता है, क्योंकि मेहनत जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से काम नहीं मिला। तो मतलब अब आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल में कुछ हो बता देना चाहिए, आगे निकाल देनी चाहिए, ताकि दिमाग में मैं भी आराम से सो सकूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वही बस ऐसे ही है क्या नहीं है लाइफ में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इस तरह से सोच के मैं चल रहा हूँ भाई, क्योंकि चाहिए जिस लिए मैं, मतलब मुझे सबसे पहला, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी, मैंने जैसे 5-6 साल लगातार मैं एक्टिंग सीखी, मैंने उस तरह से मुझे काम नहीं मिल पाया, तो वो थोड़ा दिमाग में रहता है। प्रिंट शूट काफ़ी कर लिया यार, लेकिन प्रिंट शूट से कुत्ता भी नहीं जानता भाई, मेन बात तो ये है। तो बस ऐसे ही है भैया, मतलब कि मेरा कहना ये है कि भाई ठीक है व्लॉग बना रहा हूँ मैं, ठीक है बात चल रहे हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है ना, मोटिव जो मैंने बना रखा है कि या तो मैं बिज़ी रहूँ मैं अपने काम में, किस में, या तो एक्टिंग का कुछ हो, या फिर ऑडिशन बनाता रहूं, या फिर प्रोडक्शन का जो मेरा है प्रोडक्शंस का, उसका कुछ काम आता रहे, तो मैं उसमें बिजी रहूंगा, तो क्या है उससे मुझे अच्छा लगता है, फील होता है कि हाँ भाई अपनी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, बस इतना। तो भाई आंखों में नींद भर रही है फुल, चाय भी पी ली, बुक भी पढ़ ली, मतलब रीडिंग कर ली काफ़ी देर, 1-1.5 घंटे, और अब 12 भी बज गए, अब मैं व्रत खोल लेता हूं, अपना व्रत खोल के फिर सोता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।